हेलो फ्रेंड, दिस इज मिसम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्नैपचैट अकाउंट हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आजकल अखबार भी चल रही है कि वो जो फेस ऐप है और मतलब इंस्टाग्राम और ये मतलब ये जो है स्नैपचैट, तो इसका सर्वर पे आपका डाटा चल जाता है। लेकिन यार ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इससे आप घूर ही रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो बगैर टाइम जाएंगे स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चलता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट यू हैव टू गो इन योर स्नैपचैट ऐप। तो मैं अभी अपनी स्नैपचैट ऐप ओपन करूंगा, आपको भी ओपन करना होगी। उसके बाद सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे आप। उस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड पे सबसे ऊपर एक आइकन नजर आ रहा है सेटिंग का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट में आपको दूसरे नंबर पर हेल्प सेंटर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हेल्प सेंटर लोडिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पहले नंबर पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन करना होगा, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डिलीट माई अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो ये परमानेंटली 30 डेज़ के बाद आपका डिलीट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप 30 डेज में अगर आपका माइंड चेंज होता है कि आप दोबारा चाहते हैं कि मुझे स्नैपचैट अकाउंट वही वाला ओपन करना है, तो आप 30 डेज़ के अंदर ओपन कर सकते हैं। और 30 डेज़ के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अगर आप 30 डेज तक आपका माइंड ना चेंज हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट पोर्टल, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।